नमस्ते बच्चों, अपना लेसन चल रहा है जनरल एंड सब्सिडरी बुक, जिसमें अपने पार्ट कर रहे हैं सब्सिडरीज बुक या सहायक भैया, जिसमें हमने अब तक दो भैया कर ली, क्रय वही और विक्रय वही। आज अपने करेंगे क्रय वापसी वही और विक्रय वापसी वही। अब क्रय वापसी होता क्या है? जब उधार खरीदा हुआ माल वापिस कर दिया जाता है तो उसका लेखा हम जिस वही में करते हैं उसे क्रय वापसी वही कहते हैं। जब उधार खरीदा हुआ माल वापिस कर दिया जाए और उसका लेखा जिस वही में करते हैं उसे अपने क्रय वापसी वही कहते हैं। और उधार बेचा हुआ माल अगर वापिस आ जाता है तो उसका लेखा जिस वही में करते हैं उसे विक्रय वापसी वही कहते हैं। अब देखो, जब अपने क्रय वही और विक्रय वही बनाते हैं, अपने कॉलम होते हैं उसमें पर्टिकुलर का, डेट का, LF का और इनवॉइस नंबर का, अमाउंट का। जब अपने परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो उसमें बाकी कॉलम वही रहेंगे, एक कॉलम चेंज होएगा इनवॉइस नंबर वाला। इनवॉइस जब तैयार किया जाता है जब माल को उधार बेचा और खरीदा जाता है, लेकिन जब माल की वापसी होती है उस समय एक नोट तैयार किया जाता है जिसे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, हिंदी में जिसे बोलते हैं नाम पत्र और जमा पत्र, तैयार किया जाता है। अब नाम पत्र कौन तैयार करता है? जब खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं तो क्रेता क्या करेगा? डेबिट नोट तैयार करेगा विक्रेता के नाम से, और विक्रेता क्या करता है? उस क्रेता के उतने रुपए वापस जमा करता है तो वो क्रेडिट नोट तैयार करता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि डेबिट नोट कौन तैयार करता है, तो आप बताओगे डेबिट नोट है वो क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि क्रेडिट नोट है वो विक्रेता तैयार करता है। क्यों तैयार करता है? क्योंकि उसके पास जब माल वापस आए विक्रेता के पास तो वो उस क्रेता के वापस रुपए क्या करेगा? जमा करेगा। अब आपको इस बही में एक कॉलम अलग बनाना है इनवॉइस नंबर की जगह, उसका नाम होएगा डेबिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट नंबर। लेखा इसमें किसका करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में, क्रय वापसी वही में, जब माल की वापसी होएगी। कई बार ऐसा होता है कि माल की वापसी नहीं होती, माल की वापसी न होने पर भी हमें क्या करना पड़ता है? क्रय वापसी वही में और विक्रय वापसी वही में लेखा करना पड़ता है। कुछ एक कारण होते हैं, जैसे एक तो मान लो माल वापस कर दिया, माल वापस जब कर दिया उसका लेखा तो क्रय वापसी वही में और विक्रय वापसी वही में होगा ही होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माल वापस भी नहीं किया जाता लेकिन उसका लेखा भी आपको क्या करना पड़ता है? परचेज रिटर्न बुक में और सेल्स रिटर्न बुक में करना पड़ता है। वो कब होता है? जब माल सैंपल के अनुसार ना हो या माल पे डिस्काउंट वगैरह है वो कम दिया जाए तो उसका लेखा अपने क्या करते हैं? क्रय वापसी वही या विक्रय वापसी वही में किया जाता है। माल टूट फूट हो गया या माल नमूने के अनुसार नहीं था, माल पे ट्रेड डिस्काउंट कम दे दिया तो उसको आपको वापस मानते हुए आप उसका लेखा क्रय वापसी वही या विक्रय वापसी वही में करोगे। अब देखो परचेज रिटर्न बुक का प्रारूप क्या होगा?
देखो डेट का वही कॉलम, जिस दिन माल वापस किया जाएगा, माल वापस करने की जो डेट है वो यहाँ पे आएगी। पर्टिकुलर में टोटल विवरण, जो माल आपने वापस किया या माल वापस नहीं भी किया लेकिन आपको माल वापसी की एंट्री करनी पड़ी। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में उस नोट नंबर का नंबर आएगा जो उस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का होएगा। अधिकतर ये आपको सवालों में खाली छोड़ना होता है क्योंकि क्वेश्चन में ये नंबर दिए नहीं रहते। उसके बाद आ गया अमाउंट। अमाउंट में दो कॉलम वैसे ही, डिटेल का और टोटल का। तो अब देखो अपने इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो रोहित ब्रदर्स की क्रय वापसी पुस्तक में निम्न व्यवहारों का लेखा कीजिए। अब रोहित ब्रदर्स की क्रय वापसी पुस्तक में निम्न व्यवहारों का लेखा करना है, यानी आपको इसे किस में लिखना है, परचेज रिटर्न बुक में लिखना है। नंबर एक, मोदी ब्रदर्स से निम्न माल की वापसी हुई, मोदी ब्रदर्स से निम्न माल की वापसी ही 50 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी ₹100 ईच, यानी 50 बुक्स है वो उसने किस चीज़ के लिए लुटाई है, अकाउंटेंसी की। एक का रुपये वो कितने हैं, ₹100। 30 बुक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एट द रेट ₹50 ईच। रमेश बुक डिपो ने माल क्षतिग्रस्त होने के कारण वापिस लौटाया। नंबर 3, राहुल बुक डिपो से निम्न पुस्तकें वापिस आई। दस बुक्स इकोनॉमिक क्लास 12th एट द रेट ₹50 ईच। 5 बुक्स हिंदी क्लास 11th एट द रेट ₹20 ईच। अब जब उसे माल बेचा गया था तो उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये माल 3 तरह का आपके पास वापस आया है जिसकी एंट्री आपको परचेज रिटर्न बुक में करनी है। तो देखो डेट नहीं दे रखी, मान लो
एक नंबर लिखा, सबसे पहले माल किससे वापस आया, मोदी ब्रदर्स से, तो पार्टी का नाम मोदी ब्रदर्स आ गया, पार्टी का नाम आ गया मोदी ब्रदर्स। क्या क्या वापस आया देखो, 50 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी एट द रेट रुपीज 100 ईच। पहले क्या करेंगे, इसे टोटल वाले डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे, फिर टोटल वाले, ये नंबर मान लो नहीं दे रखे आपको, तो 50 इंटू शो करेंगे कितना आ गया 5000, तो इसका टोटल कितना आ गया 5000। फिर है 30 बुक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एट द रेट रुपीज 50 ईच, ये हो गया अपना 1500 रुपये। तो इससे टोटल माल हमने रिटर्न जितना किया इसने वो कितने का किया, 6500 रुपये का। तो इसने हमें जो माल लौटाया वो कितने का वापस लौटाया है, 6500 रुपये का। नंबर दो पे एक जैसे पार्टी से पूरा हुआ अंडरलाइन कर दो, रमेश बुक डिपो, रमेश बुक डिपो। अब देखो माल लौटाया है रिटर्न गुड्स, इसका विवरण नहीं दे रखा, तो रिटर्न गुड्स लिख दिया। कितने का माल लौटाया, इसने माल लौटाया सीधा ही लिखा हुआ है, रमेश बुक डिपो ने माल छत्तीसगढ़ 2000 मान लेते हैं, इसे 2000 का माल लौटाया। तो इसमें चाहो तो डिटेल वाले में 2000 लिखो, 12वीं 2, चाहो तो डिटेल वाले में मत लिखो क्योंकि इसकी कोई डिटेल तो है नहीं, सीधा ही माल लौटाया है, तो 2000 रुपये हमने वापस लिख दिए। तो इस पार्टी से भी क्या हो गया, जितना माल आया था अब पूरा हो गया, उसे क्या करो अंडरलाइन कर दो। उसके बाद है राहुल बुक डिपो से निम्न पुस्तकें वापिस आई, नंबर 3 पे राहुल बुक डिपो क्या क्या वापिस आए देखो, 10 बुक्स इकोनॉमिक्स क्लास 12th एट द रेट रुपीज 50 ईच, यानी 10 बुक पुस्तकें आई है इकोनॉमिक की वापिस, और एक का रेट कितने रुपए है 50 रुपये, और क्लास है 12th, तो पूरी डिटेल दे दी इसकी, तो कितना हो गया ये 500 रुपये। और इसमें 5 बुक्स हिंदी क्लास 11th एट द रेट रुपीज 20 ईच। ये हो गया अपना 20 ईच के हिसाब से 5 बुक्स है, 100 रुपये की होगी टोटल, हो गया इसका 600 रुपये। लेकिन देखो जब हमने इसे माल दिया था तो इसे हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, तो जब हमने इसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया था, तो जब रिटर्न होएगी तो वो 10% वापस लेस होएगा उसमें से, तो पहले अंदर लिखो 600 रुपये लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 60 रुपये, बाहर आएगा 560
चालीस रुपये। इसे फिर अंडरलाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे डेट नहीं दे रखी, अगर डेट दे रखी होती तो यहाँ पर जिस मंथ की डेट होएगी उसकी अंतिम डेट आएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे अपने परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होएगा वो क्रेडिट बैलेंस होएगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट आ गया अपना, बैलेंस कौन सा क्रेडिट बैलेंस, और इसका टोटल कर दो, ये आ गया अपना 0498। नौ हजार चालीस रुपये कितने आगे, 9040। कहने का मतलब हमें कुल कितने का माल वापस प्राप्त हुआ है, 9040 का। यहाँ पर हमने लिखा परचेज रिटर्न बुक, नाम दे रखा है रोहित ब्रदर्स, तो आप आगे लिखो ऑफ रोहित ब्रदर्स। तो परचेज रिटर्न बुक में कॉलम कौन से होंगे, डेट का, पर्टिकुलर का, एल एफ वो पा रहे साकी, एक चेंज हुआ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, ये किसकी जगह है अपना इनवॉइस नंबर की जगह। करे वापसी वही में लिखा किसका होएगा, करे वापसी वही में लिखा होएगा वो किसका लिखा होता है, जब उधार बेचा हुआ माल वापस आए, क्योंकि नगद बेचा हुआ माल तो इसमें लेखांकन में वापस मानना ही नहीं जाता, इसलिए मान लो जो माल हमने उधार बेचा था वो रिटर्न हो गया, उधार बेचा हुआ माल जो रिटर्न हो गया तो उसका लेखा हमने परचेज रिटर्न बुक में कर दिया। बुक है किसकी, रोहित ब्रदर्स की, तो ऑफ रोहित ब्रदर्स लिख दिया। अब व्यवहार क्या है, सबसे पहले हमें किससे माल वापस आया है, मोदी ब्रदर्स से, तो ऊपर पार्टी का नाम लिखा मोदी ब्रदर्स, और जिससे कौन कौन सा माल वापस आया है, 50 जो बुक है वो अकाउंटेंसी की आई है, एक का रेट है वो 100 रुपीज़ है तो 5000, तो ये हो गए। 30 बुक्स है वो किसकी आई है, बिजनेस मैनेजमेंट की, एक का रेट है 50 रुपीज़ तो 50 ये हो गया, तो ये आ गए अपने 1500। टोटल कितने आए, 6500। उसके बाद रमेश बुक डिपो ने माल क्षतिग्रस्त होने के कारण वापस लौटाया 2000, किस कारण लौटाया है रिटर्न गुड्स लिख दो, और किस कारण लौटाया टू डैमेज गुड्स चाहो तो ऐसा लिख दो, नहीं तो रिटर्न गुड्स लिखा, किसने वापस लौटाया, रमेश बुक डिपो ने, ऊपर उसका नाम लिखा, 2000 का माल वापस आया, चाहो तो पहले डिटेल वाले में लिख दो, जबकि इसकी कोई डिटेल नहीं है, चाहो तो सीधा बाहर लिख दो, लेकिन अगर डिटेल वाले में लिख दिया तो टोटल वाले में तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद हमें माल वापस आया राहुल बुक डिपो से, निम्न पुस्तकें वापस आई, राहुल बुक डिपो से निम्न पुस्तकें वापस आई, 10 बुक्स तो किसकी आई है, इकोनॉमिक की, क्लास कौन सी है, 12th है, ए कितने के, 50 की, तो 10 × 50 5000 का माल तो ये वापस हो गया। 5 बुक हिंदी की आई है, एक 20 रुपये के हिसाब से 100 का ही हो गया, टोटल माल है वो कितने का हो गया, टोटल 600 का हो गया, लेकिन जब हमने इसे माल दिया था उस टाइम उसने हमें, हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10%, तो आज वो वापस लेस होएगा, तो 600 का 10% ट्रेड डिस्काउंट अब लेस कर दो, टोटल आ गया अपना 600 में से 60, तो कितना बच गया 540। अब परचेज रिटर्न अकाउंट टोटल कितना हो गया अपना, देखो परचेज का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होएगा, जैसे सेल्स का क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होएगा, उल्टा होता है बैलेंस। अब क्या करना है, इसका जब टोटल लगाया तो माल कितने का वापस आया, 9040 का, यहाँ पे लिखा हमने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, जब अपने परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, वहाँ पे आपके अमाउंट है वो 9040 रुपये आएगी। तो इस तरह से आपका परचेज रिटर्न बुक तैयार हो जाएगी, जब अपने सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो सेम इसी तरह से होएगा, बस फर्क इतना सा होएगा कि इसमें अपने उधार माल क्रय का लेखा करते हैं और उसमें उधार माल विक्रय का लेखा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शायद आपको समझ में आया होगा, कल अपने एग्जाम्पल करेंगे सेल्स रिटर्न बुक का। धन्यवाद।